जनपद की शॉपिंग का जो हॉल है वो मैं शूट करने वाली हूँ। कूपर, और यहाँ पे हमारे साथ मिस्टर कूपर भी आ गए। कूपर क्या खा रहा? हेलो बोलो सबको। हेलो, बहुत टाइम बाद हेलो बोलो। ठीक है, तो कूपर भी आज हमारे साथ है, वो भी हॉल वीडियो में रहेगा। ठीक है, चलो आप यहाँ पे बैठ जाओ, ये इधर उधर भागता रहेगा। अच्छा, तो सबसे पहले जो मैंने ले लिया और अपनी बहन के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, और उसमें ज़्यादातर थोड़े टॉप लिए हैं, ड्रेसेस ली, और मेरी बहन ने अपने लिए छोटे मोटे सामान लिए। मुझे ज़्यादा कुछ चाहिए तो नहीं था, बट ये था कि वहाँ पे जो भी मुझे मिला अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। और हाँ, मैंने मेक श्योर किया कि मैं ज़्यादा कुछ फालतू का लूँ नहीं, बट जितना भी मैंने लिया है, मुझे कुछ कुछ टॉप चाहिए थे, क्योंकि इस लॉकडाउन में मैंने बहुत सारा वेट पुट ऑन किया है, और जो मेरे पुराने कपड़े हैं मुझे बिल्कुल फिट नहीं आ रहे हैं, और मुझे उसका कुछ करना पड़ेगा, वेट लूज़ करने का कुछ करना पड़ेगा। तो जो पहला प्रोडक्ट जो मैंने अपने लिए लिया है वो है दिस वाइट टॉप, और इसमें यहाँ पे अच्छी सी डिटेलिंग्स हुई हैं, ये तो ये इस तरीके के इसके स्लीव्स हैं, और काफ़ी बैगी बैगी सा ये है, और इसमें डिटेलिंग्स जो है वो भी काफ़ी अच्छी हुई है, कढ़ाई की हुई है, और इस तरीके का पेपलम टॉप टाइप का ये है। तो पेपलम टॉप टाइप का मैंने एक टॉप ये लिया है, जो कि है वाइट कलर में। वाइट कलर मेरा ब्लैक एंड वाइट तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट्स हैं ही, तो एक टॉप मैंने अपने लिए ये लिया। देन एक बहुत ही लाइट कलर में, पिस्ता कलर कहेंगे इसको, या ब्लूइश ग्रीनिश कुछ तो कलर है, ये टॉप लिया है, और जिसमें कि थोड़ी सी क्रुशिया डिटेलिंग्स भी हैं। क्रुशिया डिटेलिंग्स अगर आपको दिख रही हैं, यहाँ पे क्रुशिया डिटेलिंग्स हैं, और काफ़ी अच्छा ये लूज सा टॉप है गर्मियों में, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है ये टॉप। टॉप मैंने ये लिया है, और हाँ, ये सारे टॉप 250 टू 300 के बीच में है, जो कि मैं ना प्राइस मेंशन कर दूँगी सबके। तो एक ये लिया है जनपद मार्केट से, और भी बहुत सारी वैराइटीज़ थी, बट मुझे कुछ ही चाहिए थे तो मैंने इसीलिए ये लिया। देन मेरी सिस्टर ने अपने लिए एक टॉप लिया, उसको उसकी चॉइस अलग है और मेरी चॉइस बिल्कुल डिफरेंट है, तो देखते हैं। हाँ, मैंने उसके लिए ये सिलेक्ट किया था, ये काफ़ी अच्छा फुल स्लीव्स का टॉप है। दिस इज़ अगेन 250 का है शायद ये, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो एक टॉप मेरी बहन ने अपने लिए ये लिया है, और जो सेकेंड टॉप है, हाँ, इन सारे जो कपड़ों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, सुखा लिया है, और फिर मैं अब ये हॉल बना रही हूँ, ये सारे वॉश्ड हैं। तो जो दूसरा टॉप उसने अपने ले लिया है वो है ये, इसमें ये भी काफ़ी अच्छा टॉप है, और इसके मुझे स्लीव्स बहुत अच्छे लगे हैं, जो कि इस तरीके से हैं, और यहाँ पे एक नोट टाई करने के लिए भी कुछ दिया गया है, तो ये भी एक टॉप है। अगेन ये 250 का टॉप उसे पड़ा, तो एक टॉप हमने ये लिया है। फिर एक उसने उसे बहुत पसंद आ रहा था, तो मैंने ये वाला टॉप उसे दिलाया है। एक्चुअली मुझे इसका कपड़ा ना बहुत ही लाइट सा लगा था, इस और बाहर हो चुका है काफ़ी अंधेरा, और मैं शाम को शूट कर रही हूँ, तो मैं फटाफट अभी दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या और लेके आई हूँ। तो इस टॉप के बाद ये जो टॉप है ये भी है 250 का। इस टॉप के बाद यहाँ पर भी इसमें भी कुछ नोट करने का कुछ ऐसे बांधने का कुछ डिटेलिंग्स है, ये भी 250 का टॉप है मेरी सिस्टर का। और एक सेकेंड में आती कैमरा थोड़ा सा खुला हो रहा है, तो भी ये भी 250 का है। और प्लस मैंने जो अपने लिए एक ड्रेस ली है, क्योंकि अभी मेरा बर्थडे भी आने वाला है, तो मुझे लगा कि अपने लिए एक ड्रेस ले लेनी चाहिए, क्योंकि सारी ड्रेस मुझे हो गई है टाइट। तो मैंने अपने लिए ये ग्रीन कलर का एक फ्लोरल ड्रेस लिया, जिस जो है फुल स्लीव्स कॉलर भी हैं इसमें, और यहाँ पे बटन्स हैं, और ये पूरी नीचे तक लॉन्ग ड्रेस है। तो ये मैंने ग्रीन कलर की फ्लोरल अपने लिए ड्रेस ली है, और ये भी मुझे कुछ 400 या 450
50 का पड़ गया था। मैं इसका प्राइस देख के नीचे मेंशन कर दूँगी कि कितने की मुझे ये वहाँ पे ड्रेस पड़ी। इसी के साथ मैंने एक अपनी नीस के लिए जंप सूट लिया था, जो कि मैंने सिर्फ फिटिंग करने के लिए ट्राई करने के लिए दिया था, बट अभी वो उसी के पास है। मैं उसकी भी फ़ोटो कहीं यहाँ पे या यहाँ कहीं पे उसकी फ़ोटो इंसर्ट कर दूँगी उसकी भी। और ये दोनों मुझे 800 में पड़ गए थे, वो 1600 गए थे, मैंने 800 में ले लिया। कभी भी आप जनपद मार्केट जाओ, जितना भी वो प्राइस बोले उसका हाफ आप उसको कोट करो, तभी वो आपको सही प्राइस में मिलेगा। आई थिंक मैं फिर भी थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ गया ये थोड़ा सा। जो फिर हमने लिए कुछ ऐसे ही छोटे मोटे सामान, जैसे मेरी ये शॉर्ट्स लिए हैं। इस टाइप के शॉर्ट्स भी बहुत अच्छे वहाँ पे 100 रुपीज़ के मिल जाएंगे, तो उसने मैंने एक शॉर्ट्स लिया। और मैंने अपने लिए ये घर पे पहनने के लिए लोवर्स लिए हैं, जो कि अगेन है 200 ईच। मैंने एक ये लिया है और एक इस कलर, इस टाइप के घर में पहनने के लिए भी आपको वहाँ पे सामान, आई मीन नाइट वेयर्स या पैजामे वगैरह, पजामे जो भी है वो मिल जाएंगे। और मेरी सिस्टर ने फिर एक ये कार्गो टाइप कुछ लिया, इसका प्राइस मुझे मालूम नहीं क्योंकि ये इसने अकेले जाके लिया था, बट मैं इसका प्राइस मेंशन कर दूँगी नीचे उससे पूछ के। तो ये तो थी हमारी क्लोथिंग हॉल, मतलब इतना ही सब चीज़ हमने लिया था। तो नेक्स्ट जो है वो है ज्वेलरी। ज्वेलरी कहीं भी मैं जाती हूँ ज्वेलरी ज़रूर लेती हूँ। और आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि मैं एकदम रोड के पास रहती हूँ और समझ सकते हैं आप बस कितना मतलब रोड से हल्ला आता है, बट आई ट्राई कि ये जो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो थोड़ा सा कम हो जाए। टाइम से इयररिंग्स की बहुत शॉपिंग हुई, तो मैंने अपने लिए वहाँ पे 2 इयररिंग्स लिए। एक तो है ये गणेश जी वाले, गणपति बप्पा वाले इयररिंग्स, इसमें काफ़ी ऐसे गणेश जी बने हुए हैं और यहाँ पे घूमू से और यहाँ पे ये स्टोन से कुछ लगे हुए हैं। ये स्टोन्स के कलर अलग अलग टाइप के भी थे, ग्रीन रेड येलो मैरून, बट मुझे वाइट कलर में पसंद आए थे तो मैंने ये ले लिए। तो ये गणपति पप्पा वाले इयररिंग्स, और अभी गणेश चतुर्थी के लिए ही मैंने ये लिए थे। मुझे लगा कि गणेश चतुर्थी में मैं ये पहनूंगी, फोकस करो गणेश चतुर्थी में मैं ये पहन लूँगी, बट ठीक है, मुझे बहुत ही क्यूट से और यूनिक से लगे तो मैंने ये ले लिए, जो कि है अगेन 50 रुपीज़ ओनली। तो जितने भी मैंने वहाँ से ज्वेलरी लिए वो 50 रुपीज़ की, आई मीन वहाँ से मैंने ज़्यादा ज्वेलरी नहीं ली है, बट जितनी भी लिए वो 50 रुपीज़ की है। तो सेकेंड जो है वो है ये, बहुत ही प्यारी सी सिंपल सी सोबर सी किसी भी कुर्ती के साथ चली जाएंगी, तो मैंने ये लिया, ये लिए हैं अगेन ये 50 रुपीज़ के। इसका एक ये टेसल क्या कहेंगे इसको, ये निकल गया यहाँ से, जो कि मैं फ़िक्स कर लूँगी। मेरे पास सब चीज़ें फ़िक्स करने के लिए टूल्स, तो मैं इसको फ़िक्स कर लूँगी। मैं ये वीडियो जो है वो शाम को शूट कर रही थी, तो अंधेरा हो चुका है और लाइटिंग का थोड़ा इशू था, तो मैंने अभी थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड चेंज कर दिया है। और अब जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ बैग्स जो मैंने लिए थे, तो सबसे पहले जो लिया था वो है ये बैग, जो कि 300 का मुझे पड़ा, वो 600 कोट कर रहे थे, तो मैंने हाफ मेरे को 200 में बोली थी, तो ठीक है 300 में मुझे ये बैग मिल गया, जो कि काफ़ी अच्छा है, स्टडी है, अभी तक तो स्टडी लग रहा है मुझे। यहाँ से यहाँ पर टेसल्स दिए हुए हैं, यहाँ पर भी टेसल्स हैं, यहाँ पर भी टेसल्स हैं, और यहाँ पर है इसकी जिप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभार आप कार में फोन और कुछ भी रखने के लिए आपको ये चाहिए होता है। और यहाँ है स्पेशियस है अंदर से, और यहाँ पे भी इसकी एक सीट है, और ये हैंडमेड है, ये हैंडमेड बैग है, तो काफ़ी मुझे ये अच्छा लगा, तो मैंने एक बैग ये परचेस किया है। और यहाँ पे डिटेलिंग्स भी काफ़ी अच्छी इसकी यहाँ पे, और ये चीज़ें मुझे ओवरऑल ये बैग अच्छा लगा, इसलिए मैंने एक ये बैग लिया है और एक ये बैग लिया है, जो जिसमें कि मिरर वर्क है। और यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से डाल के कहीं पे भी ग्रॉसरी वगैरह की शॉपिंग करने जब मैं जाती हूँ, तो एक फ़ोन या कार्ड और थोड़े कैश इसमें रख के आराम से लेके जा सकती हूँ, और इसमें ये इस तरीके से ये बंद हो जाता है। और ये काफ़ी क्लासी सा लग रहा था, इसलिए मैंने ये ले लिया,
जो कि मुझे 150 में पड़ा। ये दोनों मैंने 550 के लिए हैं, तो 300 में ये और प्लस 150 में ये बैग। तो ये 550 बोल रहे क्या, 450 में मुझे ये दोनों बैग्स मिल गए थे आराम से। और एक होम डेकोर के लिए एक मैंने लिया था, वो आंटी जो थी वो काफ़ी परेशान लग रही थी, उनकी मतलब जो भी था उन्होंने अपनी परेशानी बताई, तो मैंने कहा कि ठीक है कुछ ले लेते हैं उनसे। तो मैंने एक ही रनर लिया है जो कि इस तरीके से है। एक्चुअली ये रनर मैंने लिया है, ये मैंने इसलिए लिया है, मैंने इसको इसको फ्रेम करके या इसको ऐसे ही वॉल में हैंग करने के लिए होम डेकोर के लिए ले लिया था। देखते हैं मैं इसको कैसे यूटिलाइज़ करती हूँ, कहीं ना कहीं तो मैं इसको यूज़ कर लूँगी। और ये सिर्फ 200 का था तो मैंने ले लिया। वो आंटी बेचारी बहुत परेशान हो रही थी कि उनकी सुबह से कुछ बिक्री नहीं हुई है, ये वो बोल रही, तो मैंने एक ये 200 का था जो ये ले लिया। और इसमें भी बहुत ही प्यारी डिटेलिंग है, और भी उनके पास थे। ये मैंने रेक्टेंगल जो है थोड़ा सा रनर शेप में लिया है, अदरवाइज उनके पास बहुत सारे स्क्वायर कुशन कवर्स बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं बाद में जब अपना घर डेकोरेट करूँगी तो मैं लूँगी। तो ये था मेरा जनपद का हॉल, होप ये आप सबको पसंद आया होगा। और थोड़ा लाइटिंग की इशू की वजह से मेरे बैकग्राउंड्स वगैरह चेंज हो गए थे, बट नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगी कि मैं सुबह या दोपहर में सारी शूटिंग कर लूँ, सो दैट लाइटिंग का इशू नहीं हो, बैकग्राउंड सेम रहे और बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा कम रहे, ये सब चीज़ें तब इन सब चीज़ों का मैं ज़रूर ध्यान रखूँगी। आप शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।